तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे आगे जाने का अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको आगे का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। आगे क्या है तो ये आपको ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ये इस रोड का क्या नाम है, शीगांव ना, शीगांव रोड, शीगांव, तो ये शीगांव रोड है। और मैंने आपको पहले भी पीछे भी दिखा था कि यहाँ की चीज़ें कैसी है। तो ये दोनों हो गया, ब्लॉग ब्लॉग भी हो गया, ये मोटो ब्लॉग भी हो गया। मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि अंदर जो नज़ारा है वो काफ़ी प्यारा है। अंदर कई सारे बाड़ियाँ हैं, बाड़ियाँ मतलब यहाँ पर जैसे आम के बगीचे कहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे देखने को, चीकू के बगीचे और पेरू के, चीकू के बहुत सारे बगीचे हैं। तो ये थोड़ा सा हम नज़ारा आपको आगे दिखाएंगे। आगे बहुत अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए, सारी चीज़ें हैं, नेचुरल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। तो आसपास सारी बस्तियाँ हैं। ये रोड कहाँ, ये भी रोड जाता है ये ड्रीम सिटी में की तरफ जाता है। तो ये देखिए, ये बोईसर ईस्ट का पूरा इलाका है। अभी उतना डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र शासन लगा हुआ है और ये सब जंगल में ही आता है ना, महाराष्ट्र का ये सब जंगल सब आदिवासी एरिया है। हाँ, चारों तरफ कितनी हरियाली है। अच्छा, इस तरीके से हमारे जो आदिवासी भाई हैं उन्होंने नेचर को संभाल के रखा है। अच्छा, वो स्वार्थी नहीं होते। हमारे जो यूपी बिहार के लोग आते हैं डेवलपमेंट के लिए और वो धीरे धीरे खरीद खरीद के इतना डेवलप कर देते हैं कि वो ना डेवलप होता है और ना ही उसका कोई मोल भाव बचता है। जी, आप देख सकते हैं कि आदिवासी भाइयों ने किस तरीके से मेंटेन करके रखा है। इस जगह पे आपने एक वीडियो भी बनाया था अपना। बहुत पुराना स्पॉट है जी, देख सकते हैं कितने सुंदर रोड है और ये चारों तरफ आप नज़ारा देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेशन के आसपास का इलाका थोड़ा हरा भरा रहता, मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट रहता है, लेकिन जो अंदर का इलाका है वो थोड़ा कम हरा भरा है, मतलब जो अंदर का इलाका बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। तो ये देखिए, ये बोईसर जो ईस्ट का जो इलाका है जो शीगांव रोड की तरफ है, तो ये पूरा ऐसे जंगल है आपकी तरफ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको घूमने को या देखने को, आपको जैसा भी आपको मन करता है तो यहाँ पर आ सकते हैं। और ये करीबन मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है ये इलाका, और विरार से करीबन ये भी 60-70 किलोमीटर दूर है ये इलाका, और 80 किलोमीटर के आसपास अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो ये इलाका है। तो ये ज़्यादा करके हमारे जो मूल निवासी हैं महाराष्ट्र के, वो यहाँ पर रहते हैं और उन्हीं की ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और सरकार ने भी इस इलाके को काफ़ी ज़्यादा संजोग के रखा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा है। बारिश में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बारिश में आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमते हैं और काफ़ी शांति और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मुंबई से लोग, एक स्पोर्ट है हमारे यहाँ गारगांव। अच्छा, मुंबई से 100-100 किलोमीटर दूर से, 200-200 किलोमीटर दूर से लोग वहाँ पे घूमने आते हैं। अच्छा, और अपनी पिकनिक मनाने आते हैं, अपने ग्रुप में आते हैं। अच्छा, वो कहाँ पर है वो? वो थोड़ा सा आगे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर, इसी रोड पर है? इसी रोड पर 10 किलोमीटर दूर है। तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, वो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। अगले में दिखाएंगे, आप देख के मतलब आपका मन नहीं करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे आना है। ओ अच्छा, ऐसा वो स्पॉट है? ऐसा स्पॉट है। वहाँ पे कैसा लोग आते हैं, अपनी मुर्गे लेके आते हैं, सब अपना उधर बनाते हैं और अपना वहाँ पे खाते हैं बिंदास। अच्छा, और आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा जंगल का इलाका है और ये भी पूरा देखिए जंगल का इलाका है। यहाँ से हम वापस जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको मैंने पूरा इलाका दिखा दिया। ये ऐसी रोड है, ये शीगांव की तरफ है ना। हाँ, शीगांव का ये रोड है और ये देखिए आपको पूरा मैंने ये नज़ारा दिखा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर बताएगा कि आपको बोईसर जो ईस्ट का इलाका है आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपको पैदल चलकर वो दिखा दिया था, अभी मैंने आपको ये ऐसा दिखा दिया। तब तक के लिए दोस्तों, आपका शुक्रिया और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते रहेंगे आपको ऑन द वे पे। चलिए, बाय बाय, टेक लाइक। और हमारे हरीश भाई को भी ज़रूर आप सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में गारगांव की तरफ।